नमस्कार, एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस काफी मिला जुला रहा है। नो डाउट क्रूड में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, लगभग 4% की तेजी बनते हुए देखी। वहीं नेचुरल गैस में 6% की बड़ी गिरावट भी आते हुए देखी है। पहले कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में हमने देखा, जिस ढंग से सऊदी के मिनिस्टर ने क्लियर कट कहा है कि आगे भी प्रोडक्शन हम कट कर सकते हैं, जिसके बाद प्राइसेस को एक अच्छा अपलिफ्ट मिला। वहीं यूएस की जो इन्वेंट्री है, यहाँ पे हम कंटिन्यू ड्रॉप देख रहे हैं, करीबन 12.456 मिलियन बैरल का जो ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट कर रहा है। नो डाउट डॉलर की तेजी की वजह से अपसाइड थोड़ा कैप भी जरूर दिखाई दे रहा है। वहीं यूएस के जो सेल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन में बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। साथ में आईईए ने भी प्रोजेक्शन दिया है कि 2023 का जो सेकेंड हाफ है, यहाँ पे डिमांड काफी एक्सीड हो सकती है 2 मिलियन बैरल से, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स की वजह से टाइमिंग हम देख रहे हैं, क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट ने भी कहा है कि करीबन 3 मिलियन बैरल के आसपास के कच्चे तेल को ये बाय करेंगे, क्योंकि डिप्लेट जो स्टॉक हुआ है उसको रिफिल करने के लिए। तो इनऑल कच्चे तेल में हमें लगता है कि तेजी का रुख कायम रह सकता है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो जिस ढंग से बीच में हमने देखा था कि कनाडा के एक्सपोर्ट्स पे कंसर्न्स थे बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर जो अल्बर्टा एरिया में था, उसकी वजह से भाव में गिरावट जरूर आया था। बट वेदर को देखते हुए, इन्वेंट्री को देखते हुए प्राइसेस ने अपलिफ्ट जरूर किया, बट अपसाइड थोड़े से मुझे कैप ही दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, इंटरनेशनल में 2.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट पे 200 के ऊपर प्राइस कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, बट 220 के ऊपर प्राइसेस काफी टाइम से गया नहीं है। तो इस बार जब तक 220 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, मार्केट दायरे में ही रहेंगे, बट डाउनसाइड काफी रेस्ट्रिक्टेड है। अगले हफ्ते की अगर बात करें, सबसे पहले कच्चे तेल, जहाँ पे ब्रेंट हम $76 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं और WTI भी 73 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये दोनों में ही तेजी रहेगी, जो 79 का लेवल ब्रेंट में और 75 का लेवल WTI में आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते क्रूड को एक सपोर्ट भी मिला हुआ है, 6,000-6,050 के करीब अगर मिलता है तो हमें लेके चलना चाहिए। हायर साइड पर हमें लगता है 6400 तक का लेवल कच्चा तेल दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस में भी 200 के नीचे जाने पे लेके चलिए, 220 का लेवल तोड़ने पे 235 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। इन ऑल पूरे एनर्जी पैक के अंदर बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए।